बिंदिया का गाउन और जादुई परफ्यूम। सुंदरवन राज्य में एक बहुत ही गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम बिंदिया था। वे लोग बहुत गरीब थे। उसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त था विशाल। वह हर सुख दुख में हमेशा बिंदिया के साथ रहता था और वह उसे मन ही मन पसंद करता था। पर बिंदिया का बचपन से एक ही सपना था कि उसकी शादी किसी राजकुमार से हो। बिंदिया, चलो जंगल फल और लकड़ियाँ तोड़ने चलते हैं। विशाल, अब यह सब काम मुझसे नहीं होने वाला है। जल्दी ही मेरे ख्वाबों का राजकुमार मुझे लेने आ रहा है। फिर से तुम्हारे ऊपर राजकुमार का भूत सवार हो गया। अच्छा चल, कोई नहीं, तू आराम कर, मैं तुम्हारे लिए ताजे और मीठे फल ले आऊंगा। इतना बोलकर विशाल वहाँ से चला जाता है। बिंदिया शाम को जब बाजार से घर आ रही थी तभी उसे रास्ते में एक जादूगरनी मिलती है। जादूगरनी जी, मेरा हाथ देखकर बताइए ना, मुझे मेरे ख्वाबों का राजकुमार कब मिलेगा? तुम्हारी हस्तरेखा तो बहुत ही तेज है, तुम बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़े राज्य की रानी बनने वाली हो। और रानी बनने में तुम्हारी मदद मेरी ये जादुई परफ्यूम करेगी। ये लो, ये जादुई परफ्यूम है। जब भी तुम्हें कोई राजकुमार दिखे तो तुम इस परफ्यूम को अपने कपड़ों पर लगा लेना। वो तुम्हें देखते ही तुम पर मोहित हो जाएगा। पर ध्यान रहे, इस परफ्यूम का जादू रात 12 बजे तक ही काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, ये लीजिए आपके पैसे। इतना बोलकर बिंदिया उस जादुई परफ्यूम को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। बिंदिया अपने बगीचे के पौधे में पानी दे रही थी तभी वहाँ विशाल आता है। क्या बात है खड़ूस, आज सुबह से तेरा कोई पता ही नहीं है, ना तो तू आज मुझसे मिलने आई और ना ही बात की, जान सकता हूँ क्यों? विशाल, मैं बहुत जल्दी रानी बनने वाली हूँ, मुझे लेने जल्दी ही मेरा राजकुमार आने वाला है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? अरे कहाँ तू और कहाँ राजकुमार। और तू एक बात बता, तू ऐसे ही बिना किसी को जाने परखे उससे शादी कर लेगी? अगर तेरे ख्वाबों का राजकुमार बुरा हुआ तो? तभी गांव में राज के महल दूत आते हैं। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो, कल महल में सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में जो भी लड़कियां राजकुमार को सबसे अधिक प्रिय लगेगी राजकुमार उसी से विवाह करेंगे, इसीलिए सभी लड़कियां सभा में जरूर आएं। देखना, सभा में तो राजकुमार को मैं ही पसंद आऊंगी और राजकुमार मुझसे ही शादी करेंगे। तुमसे नहीं, मुझसे। मेरी खूबसूरती के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। देखना, महल की रानी तो मैं ही बनूंगी। लड़कियां आपस में ये बातें कर रही थी तभी बिंदिया बोलती है, उस जादूगरनी ने बिल्कुल सही कहा था, उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई। विशाल, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती, मैं वहाँ जाऊंगी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि राजकुमार उस भव्य समारोह में तुझे ही पसंद करेंगे? हाँ, देखना, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे राजकुमार को मैं मोहित कर सकती हूँ। यह सुनकर विशाल का दिल बैठ जाता है और वो मन में सोचता है, क्या हुआ अगर बिंदिया मुझसे प्यार नहीं करती है तो? मैं उसे खुश देखकर ही खुश हूँ। विशाल, क्या सोच रहे हो? अरे, मेरे पास तो कोई सुंदर गाउन ही नहीं है, अब मैं महल में पहनकर क्या जाऊंगी? अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे सभा में जाने की और भी तो तैयारी करनी है। बाय। बिंदिया घर आने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई भी अच्छा गाउन नहीं था। तभी वहाँ विशाल आता है। विशाल, ये सब तुम लेकर आए हो? विशाल, तुमने तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी, तुम सचमुच मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू विशाल। बिंदिया जल्दी से जाकर उस गाउन और सैंडल को पहन लेती है और विशाल के पास आकर बोलती है, विशाल ये देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। विशाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यह गाउन तो बहुत ही प्यारी है। अब मैं चलती हूँ, अगर मैं राजकुमारी बन गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अपना ख्याल रखना।
इतना बोलकर बिंदिया वहाँ से चली जाती है और विशाल उसे दूर से देखता रह जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है, आज वो खुश है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इतना अकेला सा और दुख क्यों महसूस हो रहा है। इधर बिंदिया महल में पहुंचने से पहले अपने गाउन पर उस जादुई परफ्यूम को छिड़क लेती है जिससे एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी और वो महल में जाने लगती है। तभी महल में पहले से आई कुछ बदतमीज लड़कियां बिंदिया के ड्रेस पे जानबूझकर चाय गिरा देती है। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या किया तुमने, ये तो बस शुरुआत है। देखो लड़की, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। राजकुमार सिर्फ और सिर्फ हमारा है, समझी। बिंदिया के कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे, वह रोते रोते महल से बाहर की तरफ जा रही थी तभी वह अचानक राजकुमार से टकरा जाती है। तुम ठीक तो हो, तुम्हारी गाउन से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, जी करता इसे सूंघता ही रहूं। वैसे मैं ही राजकुमार सूर प्रताप हूँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ये तो मेरा सौभाग्य है राजकुमार, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आपके साथ डांस करने का मौका मिल रहा है। और फिर उसके बाद बिंदिया और राजकुमार एक साथ डांस करते हैं। तुम बहुत ही खूबसूरत हो प्यारी लड़की, तुम्हारी खुशबू मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगता है तुम ही वो प्यारी लड़की हो जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? हाँ राजकुमार, मेरा नाम। तभी वहाँ पर और भी लड़कियाँ आ जाती है और बोलती है, राजकुमार मेरा नाम हीना है, और मेरा नाम आयशा है, और मेरा नाम कंचन है। और फिर इस तरह सभा में उपस्थित सभी लड़कियां राजकुमार को घेर लेती है और राजकुमार बिंदिया से दूर हो जाते हैं और वो बिंदिया के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। राजकुमार सूर्य प्रताप, मैं बहुत गलत थी, मैंने जैसा सोचा था आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, दूसरी लड़कियों को देखते ही आप मुझे भूल गए। तभी बिंदिया की नज़र दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। अरे 12 बजने ही वाले हैं, मेरा परफ्यूम का जादू भी अब खत्म होने वाला है और राजकुमार भी मुझसे दूर चले गए हैं। अब मुझे व्यर्थ यहाँ समय नहीं खराब करना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। इतना बोलकर बिंदिया रोते हुए वहाँ से घर वापस चली जाती है। राजकुमार को काफी देर बाद उस खुशबू वाली लड़की की याद आती है और वो भागता हुआ महल के गेट पर आते हैं। क्या तुमने यहाँ से एक बहुत खूबसूरत खुशबू वाली लड़की को जाते देखा है? महाराज वो लड़की तो काफी देर पहले यहाँ से चली गई, पर जाते जाते उसकी एक सैंडल यहाँ छूट गई है। सुगंधित परफ्यूम वाली खूबसूरत लड़की मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। इधर बिंदिया महल से वापस आने के बाद विशाल से मिलती है। विशाल मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हारा दिया हुआ वो खूबसूरत गाउन खराब कर दिया, पर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई बात नहीं बिंदिया, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें दोबारा से गाउन दिला दूंगा। तभी वहाँ पर एक रथ कुछ सिपाही के साथ आता है और फिर एक सिपाही आगे आकर बोलता है, राजकुमार सूर्य प्रताप एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे हैं जिसके पैर में यह सैंडल फिट आ सके, उसे राजकुमार की पत्नी बनने का मौका दिया जाएगा। विशाल ये तो मेरी सैंडल है जो कल रात महल में रह गई थी। विशाल क्या मैं वहाँ जाकर सबको सच बोल दूँ कि ये मेरी सैंडल है? लेकिन विशाल मैं इन कपड़ों में वहाँ कैसे जा सकती हूँ, मेरे कपड़े तो बहुत पुराने और खराब हैं। बिंदिया जाओ, तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का एक मौका और मिल रहा है। अगर राजकुमार को सच में तुमसे प्यार होगा तो वो तुम्हारे कपड़ों को कभी नहीं देखेगा और वो तुम्हें जरूर पहचान जाएगा। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ। इतना बोलकर बिंदिया वहाँ चली जाती है और विशाल फिर अपने निराशा भरी निगाहों से बिंदिया को देखता रह जाता है। उसे एक बार फिर से अकेलापन और दुख महसूस होता है, लेकिन वह बिंदिया को खुश देखकर अपने आप को संभाल लेता है। सिपाही जी मैं ही वो लड़की हूँ, ये सैंडल मेरी ही है, कृपया आप मुझे एक बार इस सैंडल को पहनने का मौका दे। सिपाही उसे सैंडल पहनने दे देता है और वो सैंडल बिंदिया के पैरों में भी आ जाता है। बिंदिया बहुत खुश थी। तभी राजकुमार सूर्य प्रताप वहाँ पे आते हैं और बिंदिया को धक्का देते हुए बोलते हैं,
ये इतनी गरीब लड़की कल रात वाली सबसे सुंदर लड़की हो ही नहीं सकती। इसके पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही इसमें से वो खुशबू आ रही है। पर राजकुमार, ये सैंडल तो मुझे एकदम भेट आया है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये सैंडल मेरा ही है। खबरदार, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। एक जैसे पैर के साइज के बहुत से लोग इस दुनिया में होते हैं, और शायद तुम इसी बात का फायदा उठाने के लिए यहाँ आ गई हो। चलो दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम जैसी गरीब लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। यह देखकर बिंदिया को बहुत ही बुरा लगता है। मैं कितनी गलत थी, मुझे लगा था कि राजकुमार को सच में मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरी सुंदरता और खुशबू वाला उस परफ्यूम की वजह से मुझसे मोहित हुए थे। ऐसे लोग तो मेरे पति के लायक बिल्कुल भी नहीं हो सकते, जो मेरी असली रूप से नहीं बल्कि मेरी बाहरी बनावटी सुंदरता से प्यार करे। बिंदिया, क्या हुआ? राजकुमार ने तुम्हें पहचान लिया? तुम इतनी उदास क्यों हो और रो क्यों रही हो? विशाल, मुझे माफ कर दो, तुमने बिल्कुल सही कहा था। प्यार अमीर या गरीब से नहीं होता, न ही प्यार सुंदरता और परफ्यूम की खुशबू से होता है, बल्कि सच्चा प्यार तो दिल से होता है, और अब मैं अपना प्यार खुद से ढूंढूंगी। बिंदिया, मुझे खुशी है कि तुझे सच्चे और झूठे प्यार का फर्क पता चल गया। बिंदिया, क्या हम हमेशा साथ नहीं रह सकते? क्या? माफ करना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। विशाल, मैं तो ये भूल ही गई थी, मुझे तुमसे अच्छा और ख्याल रखने वाला जीवन साथी नहीं मिल सकता। और फिर दोनों शादी करके खुशी खुशी एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।